नमस्कार दोस्तों, सोनिया गांधी आज के पॉलिटिकल स्पीयर की एक दिग्गज मानी जाती है हमारी सोनिया गांधी जी। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, कांग्रेस एक समय पूरी बिखरने वाली थी, उसको संभाल कर 2004 में विजय दिलवाया था सोनिया गांधी जी ने। द कांग्रेस पार्टी वॉज गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स। वैसे तो सोनिया गांधी आज सेंटर स्टेज में नहीं रहती है, लेकिन बैक स्टेज में पूरा का पूरा दिमाग सोनिया गांधी का ही रहता है। आज जहां पे भी खड़ी है कांग्रेस, वो सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी के वजह से खड़ी है। सोनिया गांधी अगर चाहती तो वो भारत की प्रधानमंत्री दो बार नहीं तीन बार बन सकती थी, लेकिन उन्होंने बार बार रिजेक्ट किया। लेकिन जब भारत में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो ऐसा बोला जाता है कि सोनिया गांधी अपने घर से उस सरकार को चलाती थी। ये हमेशा आरोपों और सवालों में घिरे रहती है कि ये क्या भारत की नागरिक है भी या नहीं है। तो चलिए आइए इस वीडियो में देखेंगे कि क्या वो सारे आरोप सोनिया गांधी के बारे में सच्चे हैं और आखिर कैसे उनका कांग्रेस में इतना बड़ा नाम बन गया। मैं अपने देशवासियों को इस अंधेरे की ओर आंख मूंद कर चलते हुए नहीं देख सकती। एंड माय मदर-इन-लॉ सेंट मी अ लिटिल नोट, हाय सोनिया, दिस इज जस्ट टू टेल यू दैट वी ऑल लव यू। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट सवाल से करते हैं जो कि बार बार सोनिया गांधी जी से पूछा जाता है कि आखिर वो है कहां से। तो इसका जवाब मैं उनका पूरा नाम बता के देना चाहूंगा। उनका पूरा नाम है एडविगे एंटोनिया अल्बिना माइनो और उनके पिताजी उन्हें प्यार से सोनिया बुलाया करते थे। अब ई नाम बिहार का तो लग ना ही रहा है बबुआ, यानी भारत से तो ना ही है ये। इनका जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के एक छोटे से शहर लुजियाना में हुआ था। अब इनके पिताजी एक फैसिस्ट थे और मुसोलिनी के एक बहुत ही बड़े फैन थे। वर्ल्ड वॉर टू अभी तुरंत ही खत्म हुआ था और मुसोलिनी को मार दिया गया था, लेकिन फैन तो इसके पिताजी थे ही। खैर, सोनिया गांधी जी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। उनके जब भी ग्रेड्स आते थे तो बहुत ही अच्छे ग्रेड्स आते थे और उनको डांस का और खेल का भी बहुत ज्यादा शौक था। लेकिन पॉलिटिक्स से तो वो बहुत ही ज्यादा दूर थी, और जब वो पॉलिटिक्स से दूर थी और इनफैक्ट भारत से भी दूर थी, तो आखिर में वो राजीव गांधी से कैसे मिली और पॉलिटिक्स में कैसे आई, ये भी अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सोनिया गांधी की शुरुआती पढ़ाई तो इटली में ही हुई, लेकिन उन्हें अपने आगे का पढ़ाई परस्यू करने देश से बाहर जाना था, इंग्लैंड जाना था उन्हें। और जैसे ही वो अपने पिताजी के सामने ये प्रस्ताव रखती है, उनके पिताजी ये प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। लेकिन बचपन से ही बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी सोनिया गांधी, वो जैसे तैसे करके अपने पिताजी को मनवा लेती है और इंग्लैंड चले जाती है इंग्लिश का कोर्स करने के लिए। अब इंग्लैंड में कौन थे, इंग्लैंड में हमारे राजीव गांधी वहां पे शुरू से ही पढ़ रहे थे। अब एक ट्रिनिटी कॉलेज है जहां पे राजीव गांधी पढ़ा करते थे, और वहां के वार्सिटी नाम के एक रेस्टोरेंट में एक दिन सोनिया गांधी और राजीव गांधी मिले थे। वो बताती है ये लव एट फर्स्ट साइट जैसा था, लेकिन कुछ ही दिनों में सोनिया गांधी को वापस घर जाना था और राजीव गांधी वैसे भी इंडिया में रहते थे। जैसे तैसे करके कई दिनों तक उन्होंने अपना इस रिलेशनशिप को चलाया। 1964 में वो पहले बार मिले थे और आखिरकार 1968 में जाकर दोनों का शादी हो गया। अब इसके बाद भारत आ चुकी थी सोनिया गांधी जी, धीरे धीरे हिंदी भी सीखने लगी थी। हिंदी भी आप देखते होंगे आज के दिन बहुत साफ हिंदी बोल लेती है, लेकिन पहले इनको हिंदी भी नहीं आता था। There was a very small Hindi institute in Green Park in Delhi. Right. And I attended that some courses there. लेकिन जैसे तैसे वो सीखी और कभी भी वो पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं करना चाहती थी भारत में आने के बाद भी। ये चीज देखने के बाद भी कि उनकी जो सासू माँ है इंदिरा गांधी जी, वो भारत की प्राइम मिनिस्टर है, उनके फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सारे पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, वो कभी भी पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं करना चाहती थी। इनफैक्ट वो राजीव गांधी को भी नहीं चाहती थी कि ये भी पॉलिटिक्स में एंट्री करे। And there was a conflict within me because I was not ever keen to join politics. In fact, I didn't even want my husband to join politics. Right. लेकिन उसके बाद ऐसे कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसके वजह से उनके फैमिली में दरार आने लगती है। इनफैक्ट इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट कर दिया जाता है, जिसके बाद राजीव गांधी जी को आना ही पड़ता है पॉलिटिक्स में। अब राजीव गांधी जैसी पॉलिटिक्स में आते हैं 1991 में, उन्हें भी असैसिनेट कर दिया जाता है। ये पूरा समय जो था ये सोनिया गांधी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय था। अभी नई वो भारत में आई थी और भारत के पॉलिटिकल स्पीयर को देखने के बाद वो पूरी की पूरी चकनाचूर हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने एक प्रण सा ले लिया था कि मैं कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगी, क्योंकि इसी पॉलिटिक्स ने उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। लेकिन 1991 का जो चुनाव
चुनाव था, पीवी नरसिम्हा राव इसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे भारत के, वो चुनाव जीत चुकी थी कांग्रेस, लेकिन उसके बाद का जो चुनाव आया था उसमें बहुत ही गंदी हार का सामना करना पड़ा था। 1996 के चुनाव में कांग्रेस फिर से हार जाती है और इसके बाद भारत में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, कांग्रेस अंदर से बिखरने लगती है, सबको विश्वास नहीं रहता है पार्टी के नेतृत्व में, और सोनिया गांधी के ऊपर अब दारोमदार था कि अपने पार्टी को साथ में लाना, उस पार्टी को साथ में लाना जो कि उनकी धरोहर है। तो सोनिया गांधी को मजबूरन 1998 में पॉलिटिक्स में एंट्री करनी पड़ती है, और इनकी एंट्री ये कहानी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे ही पॉलिटिक्स में एंट्री करती है सोनिया गांधी जी, उन्हें पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, लेकिन इनके प्रेसिडेंट बनने से पहले सीताराम केसरी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और बहुत अच्छे आदमी थे, वो अपना पद नहीं छोड़ना चाहते थे वो सोनिया गांधी को देखकर भी, लेकिन मजबूरन उनके पार्टी के लोगों के द्वारा उनका पद उनसे छीन लिया जाता है। बुजुर्ग भी थे, वरिष्ठ नेता थे वो, और बहुत बेहतरीन नेता थे। आपको विश्वास नहीं होगा, सोनिया गांधी जी जिस दिन पार्टी ऑफिस में आई थी मैं प्रेसिडेंट हूं ये बताने के लिए, उन्हें एक रूम में लॉक कर दिया गया था। सीताराम केसरी जी को रूम में लॉक कर दिया गया था क्योंकि वो अड़चन ना बने उनके प्रेसिडेंसी के बीच में। ये अति पिछड़े समाज के सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर उठा करके उनको फुटपाथ पर फेंक दिया। अब ऐसा कुछ हो रहा था शुरू से ही कांग्रेस में, लेकिन सब चाहते थे तो सोनिया गांधी बन गई, और उसके बाद बहुत ही कमाल काम किया सोनिया गांधी ने, सारे पार्टीज को फिर से एक बार साथ लेके आई, और पार्टी के अंदर जितने भी लॉयल लोग थे उनसे भी बहुत ही प्यार से उन्होंने बात किया, और पार्टी को एक बार फिर से उन्होंने संगठित किया और सबको बता दिया, क्लियर आवाज में बता दिया कि इस पार्टी में आज भी एक नेतृत्व है और वो भी बहुत ही मजबूत। अब बात करते हैं 2004 के चुनाव की। कांग्रेस दो बार चुनाव पहले हार चुकी थी, बहुत बड़ा दारोमदार था सोनिया गांधी के कंधों पर, कैसे जीतेगी आखिर कांग्रेस फिर से भारत में, इतने सालों तक राज करने के बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, कैसे वापसी हो गई। सोनिया गांधी पूरी फील्डिंग बिछा चुकी थी, सोनिया गांधी माइंड से बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी, वो अपने एडवाइजर्स तक की बात नहीं सुना करती थी, अंदर से असली चाणक्य जो कांग्रेस की है वो सोनिया गांधी है। अब कैसे है वो जान लीजिए आप। शुरुआत में जिन पार्टीज से कांग्रेस लड़ती रही हमेशा, उन पार्टीज के पास जाकर सोनिया गांधी ने मीटिंग्स किए, उन्हें एक संगठन में लाया और संगठन में साथ लड़ने को बोला। ये वही सोनिया गांधी थी जो किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए सबसे मिलते रही। सोनिया गांधी ने एक और स्ट्रेटजी अपनाई, अपने जितने भी पुराने एमपीज थे उसमें से सिर्फ 30% एमपीज को उन्होंने फिर से टिकट दिया, और बाकी जितने भी एमपीज थे, जहां जहां के एमपीज थे वहां नए लोगों को खड़ा किया, जिससे एक बार फिर से विश्वास जगे लोगों का कांग्रेस में। अब इन दोनों चीजों के बीच में एक और बड़ा सवाल लटक रहा था, सब आरोप लगाया करते थे सोनिया गांधी के ऊपर कि वो भारत से है ही नहीं, वो कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेगी भारत की। तो अपने आप को पिक्चर से हटाने के लिए उन्होंने कभी चेहरा ही नहीं बताया कांग्रेस का कि कौन होगा। अगर कांग्रेस जीतेगी कोई ना कोई तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन वो शायद सोनिया गांधी नहीं रहेगी, ऐसा सोनिया गांधी का दिखाना था लोगों को, और सक्सेस होता है ये पूरा का पूरा प्लान, और 2004 में फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है भारत में। और शॉकिंग होता है एक चीज, सोनिया गांधी एक्चुअली में भारत की प्राइम मिनिस्टर नहीं बनती है। अब इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, राष्ट्रपति भवन से जो शपथ ग्रहण समारोह होता है उसमें सोनिया गांधी का नाम लिख के आ चुका था प्राइम मिनिस्टर पद के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट में सोनिया गांधी बोलती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगी, हमारे पार्टी के मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वो उस समय बोलती है ये ज्यादा केपेबल है मेरे से और मैं तैयार नहीं हूं अभी भी राजनीति के लिए, भारत की राजनीति के लिए। और कुछ ऐसा ही होता है 2004 में, मनमोहन सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार के बारे में एक बहुत ही खास बात थी कि मनमोहन सिंह को कभी किसी चीज का श्रेय ही नहीं दिया गया। 10 साल उनकी सरकार चली भारत में, बहुत सारे लोग मनमोहन सिंह जी को जानते भी नहीं होंगे कि वो कितना पावर रखते थे। 1990s में जब भारत में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तो वही भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे और एलपीजी को लागू करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, भारत को एक बार फिर से उन्होंने फाइनेंशियली स्टेबल बनाया था। लेकिन इन 10 सालों में 2004 से 2014 तक जब तक कांग्रेस की सरकार रही कभी बोला ही नहीं गया, कभी नाम ही सामने नहीं आया मनमोहन सिंह जी का। हमेशा लगता था कि गांधी फैमिली हर चीज कर रहा है क्योंकि श्रेय ही नहीं दिया गया मनमोहन सिंह जी को। और ऐसा ही कुछ होता था, कैसे सोनिया गांधी अपने घर से सरकार चलाया करती थी इसके बारे में संजय बारू ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। इसमें उन्होंने बड़े डिटेल से बताया है कैसे मनमोहन सिंह को एक निचला दर्जा दिया जाता था कांग्रेस में प्राइम मिनिस्टर होने के बाद।
बावजूद। वो बोलता है कि कैसे कांग्रेस के फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी पुलक चैटर्जी हर दिन सोनिया गांधी के साथ जाकर मीटिंग क्या करते थे और उनसे पूछा करते थे कि किस बिल को लाना है सामने, किस बिल में बात करनी है, क्या क्या फैसला होना है पार्टी में, और फिर उन्हें जाकर बताया करते थे, मनमोहन सिंह को जाकर बताया करते थे कि ये सोनिया गांधी जी को चाहिए, आपको ऐसा ऐसा करना है, और वैसा ही होता था कांग्रेस में। इसी किताब में 2009 के इलेक्शन के आफ्टर मैथ को भी बताया है संजय बारू जी ने कि कैसे सोनिया गांधी जी ने खुद ही डिसाइड कर लिया था बिना मनमोहन सिंह से बात किए हुए कौन भारत का वित्त मंत्री बनेगा, और वही बंदा भारत का वित्त मंत्री बना था। ये तो कुछ चंद बातें हैं। आपको मनरेगा योजना याद होगी, मनमोहन सिंह का जन्मदिन था 2007 में, तब वो 500 गांव में मनरेगा योजना को लागू करना चाहते थे अपने बर्थडे के दिन पर, और उन्होंने लागू किया भी। लेकिन सोनिया गांधी के ऑफिस से मनमोहन सिंह के पास एक मैसेज जाता है कि इसका पूरा का पूरा श्रेय राहुल गांधी को दिया जा रहा है। तब मनमोहन सिंह से जब वो उनके सेक्रेटरी आके इस बात को बताते हैं तो मनमोहन सिंह उन्हें बोलते हैं कि मैं ये श्रेय की राजनीति नहीं करना चाहता हूं, मैं देश को आगे बढ़ाने की राजनीति करना चाहता हूं, श्रेय जिसे चाहे उसे मिल जाए। तो ऐसे कुछ नेता थे हमारे मनमोहन सिंह जी, लेकिन उन्हें पूरा का पूरा अपने हाथों पे चलाया जा रहा था सोनिया गांधी जी के द्वारा, और पूरा का पूरा माइंड सोनिया गांधी जी का ही चलता था। जितने भी बड़े बड़े योजना 2004 से 2014 के बीच में लागू किए गए थे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह के थे, लेकिन उन सब पे स्टैंप आज भी सोनिया गांधी और गांधी फैमिली का लगा हुआ है। राहुल गांधी के भारत आने के बाद से और कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद से सोनिया गांधी थोड़ी लो की रहने लगी थी, लेकिन फिर भी उनका आज भी कांग्रेस में एक बहुत ही बड़ा नाम है। उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं कांग्रेस के लिए। 2014 का इलेक्शन हमें याद होगा कैसे भारत में कांग्रेस एक बहुत ही बुरी हार हारी थी और अभी तक हारते हुए भी आ रही है। शुरुआत में कांग्रेस का पूरा दारोमदार राहुल गांधी के ऊपर दे दिया गया था, लेकिन अब सोनिया गांधी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है कांग्रेस के जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल इस बार का इलेक्शन आपको पता होगा कैसे इंडिया ब्लॉक बना दिया गया, और इंडिया ब्लॉक सारे लोग वर्सेस बीजेपी की लड़ाई हमें देखने को मिली इस इलेक्शन में। इसके पीछे दिमाग एक्चुअली में किसका था? सोनिया गांधी जी का। जब इस इंडिया ब्लॉक को शुरुआत में अनाउंस किया गया था तो इसके हर एक मीटिंग में, हर एक रैली में सोनिया गांधी मेक श्योर करती थी कि वो जाए, हर एक मीटिंग को अटेंड करके उसे एड्रेस भी किया करती थी। तो एक नेतृत्व उन्होंने दिखाया अपना, और वहाँ पे उन्होंने एक पकड़ दिखाई कि कैसे मैं इन सारे पार्टीज को एक साथ ला सकती हूँ और एक साथ लड़वा सकती हूँ, और सबका भरोसा सोनिया गांधी के ऊपर भी उतना ही था जितना राहुल गांधी के ऊपर था। वैसे आज के दिन सोनिया गांधी भारत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, और हमने हिस्टोरिकली देखा है कि कैसे जब पैर नहीं हुआ करते थे कांग्रेस के तो उन्होंने, सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस को चलाया और अपना हाथ पकड़ के चलाया। क्या सोचते हैं आप सोनिया गांधी जी के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और देखिए हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।